101 फीट वाला हनुमान जी यज्ञ करने के लिए यूज करते यहाँ पे। वहाँ पे राम जी सीता जी का फोटो स्टैचू है और ग्रीनरी से भरा हुआ है। जल्दी मेरा काम हुआ छिंदवाड़ा का तो आते आते मैं आपका दर्शन करूंगा। भाइयों, आपने हनुमान जी का तो दर्शन किया होगा बहुत। हनुमान जी का दर्शन करने के बाद मन को तसल्ली हुई होगी, मगर आज मैं हनुमान जी का ऐसा दर्शन कराने वाला हूँ आपको कि आप भी बोलेंगे यार क्या बात है। देखो मेरे पीछे देखिए, 101 फीट वाला हनुमान जी, मैं आपको दिखा दो अंदर जाके। तो ये देखिए, ये है श्री सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर सिमरिया छिंदवाड़ा मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित। तो ये जो एरिया है, ये हनुमान जी का जो मंदिर बोलेंगे या स्टैचू बोलेंगे, ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अंदर का नज़ारा, बढ़िया सा 101 फीट की मूर्ति है। तो जैसे ही अंदर आए वैसे एकदम एरिया का एकदम खूबसूरत नज़ारा देखिए। मेरे पीछे देख रहे होंगे एकदम खूबसूरत यहाँ पे गार्डन बना हुआ है, और यहाँ से जैसे ही एंट्री होते हैं वैसे ही हनुमान जी का दर्शन होता है। वैसे नागपुर से छिंदवाड़ा की तरफ जाते हैं वैसे जितने भी लोग जाएंगे यहाँ से सबको दर्शन होगा, क्यों जो अंदर आएंगे उनको तो होंगे मगर रास्ते से जाने वालों को भी होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इतनी बड़ी मूर्ति मैंने आज तक देखी नहीं, और मेरे ख्याल से जिन्होंने देखी है वो तो ठीक है, मगर जिन्होंने नहीं देखा उसके लिए उनके लिए तो कुछ खास बात है। पे छिंदवाड़ा की तरफ जाते समय मैं हर बार सोचता हूँ कि यहाँ पे रुकूंगा, मगर कभी मैं रुका नहीं। और आज स्पेशल मेरा काम खत्म हुआ, काम खत्म होने के बाद मैंने सोचा था कि काम जल्दी खत्म होगा तो मैं आऊँगा, अपने मन की बात सुन ली भाई। तो यहाँ से आप ये कितने फुट की मूर्ति है अपनी? 101 फीट, 101 फीट की मूर्ति है। और यहाँ पे मेरे ख्याल से 10 साल के ऊपर हुआ है क्या? 8 साल हुआ। ओके, तो ये एरिया को क्या बोलेंगे, कौन सा एरिया? सिमरिया गांव है क्या आजूबाजू में? साइड में सिमरिया हनुमान मंदिर। तो पंडित जी बता रहे हैं कि 101 फीट की ऊंची मूर्ति है और 8 साल हुए जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ, 8 साल। मैंने अभी तक इतनी ऊंची मूर्ति मैंने आज तक नहीं देखी। शनिवार मंगलवार जब भी टाइम मिला हनुमान जी के दर्शन करने जाता हूँ, मगर यहाँ पे जो मूर्ति है, यहाँ पे लिखा है मूर्तिकार माथुराम का कोई शिल्पकार। तो ये देखिए पीछे साइड से इतनी ऊंची मूर्ति है कि अपनी अपनी गर्दन एकदम ऊपर करनी पड़ती है। 101 फीट की मूर्ति और बहुत खूबसूरत है। अब इधर के ही रहने वाले हो क्या? पिपरिया। तो यहाँ पे मूर्ति देख के रुके कि खास दर्शन करने है? नहीं, हम लोग जा रहे हैं जाम सावली। जाम सावली हनुमान जी के दर्शन करने, तो यहाँ पे एक स्टॉप लेके दर्शन करने हैं रुके। तो चलिए, यहाँ पे मूर्ति स्टैचू देख के हनुमान जी का स्टैचू देख के लोग रुक जाते हैं, और जिनको अर्जेंसी रहती वो निकल जाते हैं। तो और एक चीज़ है, देखिए ये ध्वज श्री राम के नाम ध्वज है, इतना विशाल है, बहुत बढ़िया।
भाइयों, आज मैंने आपको 101 फीट वाली मूर्ति हनुमान जी की मैंने आपको दिखा दी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहन मूर्ति है। आप आइए यहाँ पे, नागपुर से छिंदवाड़ा रोड पे एक स्पॉट पड़ेगा, रास्ते में ही है, दिखता ही है। यहाँ से आप गुजरेंगे, आपको दिख जाएगा। और 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए रुक के आप दर्शन करिए, मन प्रसन्न हो जाएगा। एक्चुअली हनुमान जी का अपन ने दर्शन कर लिए, मैंने आपको दिखा दिया 101 फीट के हनुमान जी। अंदर में राम जी का है, कृष्ण जी का है, सारे देवताओं का अंदर है गर्भगृह में। मगर एक्चुअली पंडित जी ने मुझे मना किया, वीडियो शूट करने के लिए मना कर दिया, यानी कि परमिशन नहीं दिया। इसकी वजह से मैं अंदर का आपको नहीं दिखा पाऊँगा, मगर आप जो भी आएंगे यहाँ पे तो एक बार दर्शन कर लीजिएगा। पूरा वहाँ पे राम जी सीता जी का फोटो स्टैचू है, उसके बाद कृष्ण भगवान का भी है, और बाकी भी आप देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया लगेगा। तो चलिए, बिना परमिशन के, बिना अनुमति के तो अपन नहीं कर सकते, तो मैं इतना ही आपको दिखा पाऊँगा। और आजू बाजू में जो गार्डन है, गार्डन तो एकदम बहुत बढ़िया सा है। हनुमान जी का दर्शन के साथ यहाँ पे बैठ के मन शांत करने के लिए यहाँ पे गार्डन है, खूबसूरत, बहुत बढ़िया सा, और यहाँ पे ग्रीनरी का भरपूर है। और यहाँ पे ये देखिए, ये यज्ञ जो यज्ञ करने के लिए यूज करते हैं यहाँ पे। और गार्डन में तो बहुत बढ़िया सा एटमॉस्फेयर है और ग्रीनरी से भरा हुआ है। एक्चुअली अंदर में गर्भगृह में अपने को परमिशन नहीं मिली, इसके वजह से मैं आपको अंदर का नहीं दिखा पाया। तो आप कहाँ से हो भैया? मैं अमरावती से हूँ। अमरावती? यस। आपला मानूस, मराठी मानूस। हेलो गाइस, मी माथी सर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। मेरे मन की बात कही थी भाई ने। अमरावती का भाई है? मैं अमरावती से हूँ, महाराष्ट्र से। सर बहुत दूर से नागपुर से आए हैं ये सारे लोग, ये सब फ्रेंड लोग हैं। हाँ, ये संसार के फ्रेंड लोग हैं। ये भाई अमरावती का है और अपन नागपुर के हैं। तो मेरे मन की बात भाई ने कह दी। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, और जो पुराने लोग हैं, पुराने सब्सक्राइबर है मेरे, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो बहुत बढ़िया सा लगा यहाँ पे, यानी कि कैसे क्या आना हो भाई आपको? सर जैसे कि मेरे दोस्त है सोनसर के, यहाँ से 50 किलोमीटर इनका गाँव है। हाँ, एक बार इनका स्टेटस देखा था मैंने इंस्टाग्राम पे, स्टोरी हनुमान जी का। हाँ, तो तभी से मतलब मन में एक इच्छा थी कि जाना है सिमरिया करके, तो तब से एक दिल में चाहत बन गई थी कि हनुमान जी से मिलना है। और आज मतलब मैं इनके फ्रेंड लोग के घर पे आया था, तीनों लाए यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे आके बहुत आनंद मिला। यहाँ पे बहुत अच्छा, मतलब यहाँ पे स्पेस और बहुत अच्छा, मतलब एटमॉस्फेयर बहुत बढ़िया। तो कुछ बात ही अलग है यार। कैसा है भाई, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे या फेसबुक पे जो स्टेटस डालते हैं लोग हनुमान जी का, और ऐसी मूर्ति देखने के बाद मन तो चाहता है कि एक बार देखे और दर्शन करे। तो हमारी भी इच्छा थी, क्योंकि मैं हर बार यहाँ नागपुर से छिंदवाड़ा जाता हूँ, मगर रुकने का मुझे चांस मिला नहीं। मैं आते आते एक बार यहाँ पे 1 मिनट के लिए रुका, और मैंने अपने मन में बोला था कि हनुमान जी आज अगर जल्दी मेरा काम हुआ छिंदवाड़ा का, तो आते आते मैं आपका दर्शन करूँगा। क्या बात है। तो मैं इसलिए मैं रुक गया, मेरा काम ख़त्म हो गया जल्दी से, इसलिए मैं। तो भाइयों की मन की जो व्यथा थी मेन तो ये भाई की, बाकी दोस्तों ने तो देख लिया, यानी कि पास में ही है इनका गांव समसर, तो ये तो हर बार आते ही होंगे। मगर इनकी इच्छा थी पूरी हुई, और हमारी भी इच्छा पूरी हुई। तो थैंक यू भाई लोग। थैंक यू। यहाँ पे दोस्त लोग मिले अपने नागपुर के पास अमरावती के, तो ऐसा है कि ये जो हनुमान जी है, एक बार किसी के स्टेटस पे देख लिए तो सबकी इच्छा होती है यहाँ पे आने की। और मैं घूम घूम के आपको थोड़ा सा एरिया का दर्शन करा रहा हूँ। एक्चुअली अपने गर्भगृह का अपने को वीडियो शूट करने नहीं दिया, इसके वजह से
मेरे पीछे साइड में, ये पीछे साइड से स्टैचू है। और यहाँ का मौसम तो बहुत बढ़िया सा है। और यहाँ पे हाँ अपने शंभू भोलेनाथ का भी यहाँ पे मंदिर है। हर भोलेनाथ जय हो भोलेनाथ की। भाइयों मैंने सारा कुछ आपको बता दिया और कुछ तो भी एक अलग चीज़, अलग पेड़ दिख रहा है मुझे। ये पता नहीं मुझे क्या चीज़ है, क्या पौधे हैं। तो भाइयों यहाँ पे पूजा सामग्री का यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। तो यहाँ तक, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।